रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज माय रमजान। वेलकम टू सेंचुरी प्रेस एंड पब्लिशर्स। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लर्न्ड च एंड श साउंड। ओके, हु कैन टेल मी द साउंड ऑफ ch? यस, इट्स च। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ sh? इट्स श। ओके, सो टुडे वी विल डू सम एक्टिविटीज इन व्हिच वी विल रिवाइज आवर साउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने अपनी बुक के पेज पर देखना है, यहाँ पे आपने अपने स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है। वर्ड को हम पहले प्रोनाउंस करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें कौन सा साउंड लगेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स शार्क। सो यहाँ पे कौन सा साउंड लगेगा? एस एच का। ओके, सो इट्स शार्क। एंड द नेक्स्ट वन इज चेयर। इट्स चेयर। तो यहाँ पे कौन सा साउंड है? च का, which means C and H. Next one is shoes. Shoes. So यहाँ पे हमने sh का sound लगाना है, यानी कि S और H. And the next is cherry. Ch, cherry. So यहाँ पे हम CH लगाएंगे. Okay students, ये तो है words के start में sound. अब हमें याद है कि वी हैव लर्न द साउंड ऑफ सी एंड एच एट द एंड ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो। ओके, सो लेट्स सी कि हम किस तरह से इन साउंड्स को वर्ड्स के एंड में यूज करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है? फिश। फिश, कौन सा साउंड आ रहा है लास्ट में? श, यानी कि एस और एच का साउंड आ रहा है। तो आपने यहाँ पे एस और एच लिख के इसे कंप्लीट करना है, फिश। नेक्स्ट वन इज watch, watch, it's ch, okay? तो आपने ch लिख के इस वर्ड को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट साउंड इज टॉर्च, टॉर्च, ओके, इट्स टॉर्च, यानी कि ch का साउंड आ रहा है। एंड द अदर वन इज डिश, इट्स डिश, यहाँ पे श का साउंड आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसी तरह से पहचानना है, आपने पहले वर्ड को बोलना है और उसमें से साउंड को जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि इस वर्ड में कौन सा साउंड यूज हो रहा है। और जब आपको ये पता चल जाए, देन यू कैन यूज योर रिक्वायर्ड साउंड ऑफ च एंड श। जैसे फिश के अंदर आप श का साउंड यूज कर रहे हैं और टॉर्च के अंदर आप च का साउंड यूज करें। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने चीजों को अच्छी तरह से याद करना है, लर्निंग करनी है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।